हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट। सो जैसे कि हमें लास्ट वीडियो आपको दर्शन करवाए थे महाकाली के, जो कि घड़ा फाटक में स्थित है, और आज हम आपको लेके चलने वाले हैं सराफा, जहाँ पे सुरहराई और नुरहराई है, उन दोनों माता के आपको दर्शन करवाएंगे। और अगर आपको पसंद आई ये वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को, और कुछ कमेंट हैं जो कि आप देना चाहते हैं या आप सजेस्ट करना चाहते हैं हम अगली बार कहाँ जा सकते हैं, तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में डाल दें। अगर हो पाएगा तो हम ज़रूर जाएंगे। आप चलिए वीडियो को ज़रा बड़ा नहीं करते हैं और सीधे चलते हैं दर्शन करने के लिए। सो अभी है मालवी चौक में। मालवी चौक से हमने लेफ्ट लिया है कमानिया गेट की तरफ जाने के लिए। कमानिया गेट से सीधे आएंगे हम सराफा चौक की तरफ, और सराफा चौक से ही हमें राइट लेना है तो हमें सुनहराई माता के दर्शन हो जाएंगे। सो अभी हमने चौक से राइट ले लिया है और अभी सीधे आएंगे तो हमें माता जी के दर्शन हो जाएंगे। अभी गाड़ी पार्क करते हैं और आपको भी माता जी के दर्शन करवा देते हैं। तो अभी सीधे आ गए और सुनहराई तरफ जा रहे हैं। हमने गाड़ी अपनी पार्क कर दी है पीछे, और अब देखते हैं वहाँ पर आपको सुनहराई के दर्शन करवा देते हैं। सो काफ़ी भव्य मूर्ति है, और जो मूर्ति की उसकी खासियत ये है कि पूरा जो श्रृंगार होता है पूरा सोने का होता है। सुनहराई माता नगर सेठानी सुनहराई के नाम से ही प्रसिद्ध है। नवरात्र में माता आधा क्विंटल से अधिक चांदी के रत्न मणिक जैसे गहने धारण करती है। इसके साथ ही 2 किलो के आसपास सोने व हीरे जड़ित जेवर भी माता को शोभायमान करती हैं। कहा जाता है इन गहनों की कीमत लगभग 2.5 करोड़ से 3 करोड़ के आसपास है। चलिए सुनहराई माता के दर्शन के बाद हम आपको दर्शन करवाते हैं सुनहराई माता का। आपको शक्ति ज्वेलर्स के जस्ट सामने से लेना है तो आपको सुनहराई आ जाएगा, एंड जस्ट उसके बाजू की जो रोड है वहाँ से आप अंदर जाएंगे तो नुनहराई आएगा। तो अभी हम शक्ति ज्वेलर्स के बाजू से रास्ते से आ गए हैं। सराफा चौक कहलाता है ये, तो अभी सीधे जा रहे हैं। वो सामने जो देवी जी दिख रही है वो नुनहराई माता है। नगर सेठानी नुनहराई पारंपरिक बुंदेली माता 1.25 क्विंटल के चांदी के विविध आभूषण शस्त्र धारण करती है, साथ ही करीब 2 किलो सोना एवं हीरा जड़ित आभूषण माता के रूप को निखारती है। मैं आशा करता हूँ कि आपको सुनहराई और नुनहराई माता के दर्शन काफ़ी अच्छे से हो गए होंगे। मैं जानता हूँ ब्लॉग काफ़ी छोटा था ये वाला, लेकिन कल इसी चैनल पे एक नया ब्लॉग अपलोड होने वाला है, जहाँ हम विजयनगर और उसके आसपास के क्षेत्र में जितनी भी देवी जी की मूर्तियाँ स्थापित हैं उनके दर्शन करवाएंगे आपको।